ये सब तमाशा कैसे हुआ? सर वो सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, और ऑर्डर्स सिर्फ इन्वेस्टिगेट करने के थे, गोलियां बरसाने के नहीं। सभी के सभी बेकसूर विद्यार्थी थे और वो एक फर्जी एनकाउंटर था। अभी तक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सस्पेंड नहीं किया गया है। संजय कुमार इज अ मॉन्स्टर। केके को गोली कैसे लगी? उन लड़कों ने मारी। Why are you asking me that? जिन लड़कों को आपने मारा वो सारे के सारे स्टूडेंट्स थे? हाँ। बेकसूर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स कहा मैंने, बेकसूर नहीं कहा। हमारी पाक किताब में ये लिखा गया है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो तुम आईएम के 100 लोगों ने ये पाक किताब पढ़ी है, बाकी के हमारे 17 करोड़ मुसलमानों को पढ़ना नहीं आता। बाटला हाउस मैटर में मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि तुम्हें प्रेसिडेंस मेडल दिया जाए। केस ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल, सरकार गिर सकती है। एक टेररिस्ट को मारने के लिए सरकार जो रकम देती है उससे ज्यादा तो एक ट्रैफिक पुलिस हवलदार एक हफ्ते में कमा सकता है। दिल्ली से ऑर्डर आया है। कम से कम यहाँ तो सच बताइए। किसे सच सुनना है आपको? एक पुलिस वाले से? कभी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी आपने? आपका सच और मेरा सच एक कैसे हो सकता है? आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में सुनना नहीं है ना सर? लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इन्वेस्टिगेशन के अलावा आई हैव नथिंग। सस्पेंड होने के बस इतना करीब हो तो मैं इस केस से जुड़े एक एक को कोर्ट में दोषी साबित कर पाऊंगा। चले कहा? जीत में। देश सब एक चुटकी में धुआं ऐसे। वो चुटकी तो शायद पहले कब की बच चुकी है सर, और धुआं आप सबको सच देखने से रोक रहा है। Mm-hmm.